ज्यादा गर्म थका दीजिए तो बोले कि यहाँ निकाल दो, इसलिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है 9 बजे। तो सुबह 6 बजे उठा था मैं और चीटे को खाना खिला दिया। बाकी तैयारी चल रही है, अभी कुछ प्रोग्राम है छोटा सा और आज अमावस है। तो अभी पहले जाएंगे हम खेत में, वहाँ पर जोत लगाते हैं ना अमावस के दिन, तो वहाँ जा रहे हैं पहले और फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। तो सभी जा रहे हैं, मैं, सभी टीम, माँ और सोनू जा रहे हैं। बाइक पे जाने वाले हैं और देखो चार बैठेंगे आराम से इस पे, चार जने, दो तीन। हेलो चार देखिएगा। इसका चैन सेट गया हुआ बिल्कुल, तो डलवाएंगे कल या परसों में। खेत में पहुंच गए हैं गाइज और स्वीटिंग में पहले आ चुकी थी यहाँ पर, और यहाँ पर धुआं उठा दिया, पता नहीं क्या क्या गिरा हुआ था, वहीं पे आग लगा दी, सारा बच गया मतलब। तो यहाँ पे डोला है जो खेत का, इसको सफाई कर रहे हैं और अभी जोत की तैयारी चल रही है। यहाँ पर जोत लगाई अपन, एक्चुअली हम उसके दिन हम यहाँ पर आते हैं जोत वगैरह लगाने, पितरों की जोत होती है। और ये अपना कोटड़ा है बहुत पुराना, जो कि अभी यूज़ में नहीं है, इसको यूज़ नहीं करते हम। और ये सिस्टम है बहुत पुरानी, कई साल पुराने, कई साल पुराने। तो यहाँ पर लगाई थी आग मशीन, अब फिलहाल बुझा दी है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वो था, मोटी मोटी छड़ी थी, वो जल जाती नहीं। तो देखिए ज्वार उगाई है और हमारे यहाँ बोलते हैं जा मैं ही है। स्वीटी और सोनू बुझा रहे हैं आग को और मैं कर रहा हूँ अभी जोत की तैयारी। यहाँ पे लगने वाली जोत, थोड़ा सफाई कर लेता हूँ मैं इसकी। भूख लग चुकी है, अभी चलते हैं घर पे। घर पे पहुँच गए गाइस और स्वीटी खाना बना रही है। खाने में खीर, दाल एंड रोटी, और हर्षित गंगा जल छिड़क रहा है क्योंकि इनके यहाँ वनवाज, तो पड़ोस में छिड़कते हैं सभी के। गाइस खाना हो गया है अपना और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चूल्हे हैं, एक ये है एक वो है। तो यहाँ पर दलिया बनाया जा रहा है क्योंकि आज अमावस है ना, अमावस्या। तो आज के दिन सोच रहे थे, माँ बोली कि गाय को खिला देते हैं। तो गौशाला है मातनेल में, वहाँ पर हम ले जाएंगे इसको। तो अभी 11 बज गए हैं, वो मिलेंगे नहीं क्योंकि उनको ले जाते हैं कहीं घुमाने के लिए दिन में जंगल में। तो शाम को सही वक्त है और ये सवा मण का बोल रखा माने, सवा मण दलिया पका के फिर ले जाएंगे। वैसे कच्चा भी दे सकते थे लेकिन माँ ने सोचा कि ऐसे ही देंगे, तो अब की बार ये शायद पहली बार है ना माँ, तो गाइस पहली बार आइए सवा मण दलिया गायों को गौशाला में दे के आएंगे शाम को। अभी ये पक गया है तो अभी इसको अंदर रख रहे हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर कल तो 45 डिग्री था और अभी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो सवामण है वो होता है 40-41 के बीच में होता है, 40 किलो या 41 किलो बीच में सवामण, एक मण में 40 किलो होते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो अभी इसको यहाँ पर रख रहे हैं और लाइट है नहीं, कुछ काम करता तो मैं यहाँ अभी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, कुछ शॉर्ट बनाई हैं और कुछ वैसी हैं। तो ये वो लोग आए उससे पहले, वो आ लेंगे सारी वीडियो, एक दो बचेंगी। तो इसको रख के चलते हैं। ये दलिया रेडी हो गया है और अंदर रख दिया सारा, ये इतना सारा है और गुड़ है, इसको अंदर डाल दिया, कुछ को कुछ रहता है उसको बाद में देख लेंगे, और ठंडा भी हो जाएगा शाम तक और अच्छे से इसको ले जाएंगे हम, कैरी कर सकते हैं। सोचना पड़ेगा कि इनको लेके कैसे जाएंगे, उसके ऊपर विचार चल रहा है। तो अभी चलते हैं घर पे क्योंकि काम कर होगा नहीं अभी, और लाइट भी नहीं है, चलते हैं घर पे। तो अभी मैं आ गया हूँ घर पे और अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कूलर लगा लिया जाए, और कूलर के पास बैठा हूँ फिलहाल मैं। लेकिन इसमें समस्या ये हो रखी है कि इसमें यहाँ पर होल हो रखा है, ये होल हो गया, पहले भी होल हो गए थे इसमें लेकिन वो मैंने एल लाइट लगाई थी ना तब रुक गए थे। तो अब की बार मैं कुछ नया लगाने वाला हूँ, जो कि मैं
ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो है सुपर पेट्रोल वैल्यू। वो काफ़ी मतलब अच्छी लगती है मेरे को और बहुत जल्दी मतलब रिजल्ट अच्छा है उसका। मैंने काफ़ी जगह ट्राई कर लिया उसको लगा लगा के, एक नंबर का रिजल्ट देती गाइज। तो उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इस पर लगाने वाला हूँ और इसकी शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, वो दूसरे चैनल पर मिल जाएगी आपको। तो अभी मैं चालू करने वाला हूँ ये बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि एक हफ्ता हुआ है ये यहीं पर रखा हुआ है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है गाइज। तो इसको करता हूँ मैं कंप्लीट, फिर हवा लेते हैं इसकी ठंडी ठंडी। अभी टाइम हो गया है 1:35, फ्रंट कैमरा है तो थोड़ा उल्टा दिख रहा टाइम। तो अभी थोड़ा दीपक बोल रहा था कि पार्टी सार्टी करें, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए हैं। ऊपर देख यार, दादी बोल मार थी, बोल मार थी दादी, बैठी हो ले, बैठी हो, बैठी दो, आज 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 दादी कैसी हो, पक्की गल बोल के मारा थी, मैंने बोला थी तो मैंने बोला थी आ जाओ चाय पी ली, चाय चाय चाय। 3:30 बजे गाइस, और खा रहे हैं खीर अभी सुबह वाली। सोने चप्पल टूट गई गाइस, तो ये देख रहा कहाँ से लाएगा क्योंकि चलते नहीं इसके पास चप्पल कभी ज़्यादा लंबे समय तक। तो लोहे की सोच रहा हूँ बनवाने के लिए, अगर कोई बनाता हो बता दो, मंगवा लूँगा इसके लिए, जल्दी तोड़ देता है चप्पल को। तो खा लेते हैं खीर फिर चलते हैं गौशाला में। तू भी खीर खा के आना खाए, ये इसकी केयर टेकर बोले तो नर्स, काफ़ी केयर करती है इसकी। दादी ऊपर नहाए आज, वो आ रहे नीचे बाथरूम में, नहीं तो नीचे नहाते हैं गर्म पानी से, आज टंकी का पानी बिल्कुल गर्म गर्म। दादी नहा ली, फुआ रहे नीचे, बढ़िया था, बढ़िया फुआ रहा। तो गाइस दादी नहा ली आज फुआ रहे नीचे, अपने आप उतर रही हैं, कितनी हिम्मत है पैरों में दादी के। हाँ दादी आ जा बैठ बैठ, दादी बैठ। सुफारी लिखा है, हमने निकाल लिया है जुगाड़ ले जाने का, गाड़ी ली है मनोहर की। तो कवरिंग कुछ इस तरीके से, हमने पहले तरपाल लगाया है, फिर एक और तरपाल लगाया है, और यहाँ से ऐसे रख दिया इनको, और एक पीछे रख दिया है ताकि गाड़ी सेफ रहे, इसको कुछ काला काले पीला ना होए। तो अभी चलते हैं गौशाला में। सो गाइस मैं अमन और सोनू सारे हैं, पहुंच गए हम गौशाला में। तो पूछते हैं कहाँ पर देना है, ये बोल रहे हैं कि अंदर ले जाना है दूध वाले वार्ड में, तो बस के पीछे है गाइस यहाँ पे, वो अंदर जाना हो शायद। सो गाइस यहाँ पे गड्डी लगवा दी हमने, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जाएगा अंदर, तूड़ी डाल रखी है, सारा डाल रखा है सूखा भूसा, तो यहाँ पर डालने की वो कर रहे हैं। ये यहाँ पर तो यहाँ डालना है ये दलिया। तो बोले कि यहाँ निकाल दो, इसलिए हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, कुछ निकाल निकाल दिया कुछ यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो फाइनली गाय गाय को दलिया पहुँचा दिया हमने, और कुछ से कुछ से निकाला कुछ उन्होंने निकलवाया है, और अपने खाली आइटम ये रखे हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। खाने में आज प्याज रोटी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा मेरे को तो प्याज अच्छी लग रही है। ये खीर बची हुई है और सब्जी है, टमाटर टिंडा और अदबिलोई है, आम है, और सोनू खा रहे हैं। सो गाइस खाना हो गया है,
और अभी बजे हैं 9:50 हो गए हैं। और दिन में वहाँ पर स्टूडियो में काम कर रहा था मैं, वो तभी लाइट चली गई, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। बस 15 मिनट लाइट रही और फिर बाद में मैं बाहर बैठ के करने लग गया, क्योंकि अंदर अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि अभी बैटरी नहीं आई है, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ कुछ जुगाड़ बैटरी का, और कुछ भी नहीं हो पाया। कूलर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आज सुबह लगेगा वो, तो अभी नहीं लग पाया। तो इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय। टेम्परेचर कल तो 45 डिग्री था, और अभी पता नहीं, देखता हूँ एक मिनट को।